बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 4 के सेकंड लेक्चर के साथ मैं हूं अब्दुल हमीद। डियर स्टूडेंट, कल हमने डिस्कस किया था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी एक्सप्लेन किया था और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी, ग्राफिकल मेथड को भी डिस्कस किया था। आज हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को भी मैथमेटिकली फार्मूले के लिहाज से भी डिस्कस करेंगे और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो कांस्टेंट फोर्स की हमने कल बात की थी, तो उसमें हमने कहा था कि अगर फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहे, सेम रहे, तो वो फोर्स क्या होती है, कांस्टेंट। जबकि हम बात करते हैं वेरिएबल फोर्स की, तो अगर फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चीजें इसकी चेंज हो जाए, तो वो फोर्स क्या होगी, वेरिएबल फोर्स। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, वेरिएबल फोर्स, फोर्स इज सेड टू बी वेरिएबल इफ इट्स मैग्नीट्यूड आर डायरेक्शन आर बोथ चेंजेस। फोर्स को वेरिएबल कहा जाता है अगर उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों चीजें चेंज हो जाए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल हमारे पास है जब रॉकेट मूव करता है, जमीन से दूर जाता है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क होता है और उस पर जो फोर्स एक्ट करती है वो कांस्टेंट नहीं होती और वो फोर्स जमीन के सेंटर से डिस्टेंस के स्केल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे रॉकेट जमीन के सेंटर से दूर जाता है तो फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट होती है वो क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो यहाँ जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास वेरिएबल फोर्स की एक एग्जाम्पल आ गई। दूसरी एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जब हमारे पास एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग का एक एंड हम पिच फोर्क के साथ अटैच कर देते हैं और स्प्रिंग के दूसरे एंड के साथ कोई मैस अटैच कर देते हैं और ये हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस अगर टेबल पे मौजूद है, तो हम उसके मैस के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वो स्प्रिंग क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है। फोर्स जितनी ज्यादा अप्लाई करते हैं तो उसमें स्ट्रेच उतना ज्यादा आता है, फोर्स कम अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर जो स्ट्रेच आता है वो कम आता है। इट मींस फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ स्ट्रेच के ऊपर। तो फोर्स कम अप्लाई करने से अमाउंट ऑफ स्ट्रेच कम, फोर्स ज्यादा अप्लाई करने से अमाउंट ऑफ स्ट्रेच ज्यादा। तो यहाँ जो आपके पास फोर्स है वो भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये फोर्स भी क्या कहलाती है, वेरिएबल फोर्स। सो द फोर्स exerted by a spring increases with the amount of stretch, और इसको हम मैथमेटिकली राइट कर सकते हैं F directly proportional to x, यहाँ F force को और जो x है वो amount of stretch को show कर रहा है। ये तो बेटे हमारे पास variable force और उसकी example। अब हम इसकी explanation की बात करते हैं। हमारे पास एक पाथ है ए से लेकर बी तक, ये फिक में देखें, ए से लेकर बी तक हमारे पास ये पाथ है। हमने इस टोटल पाथ को स्मॉल इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर दिए क्योंकि है ताकि हम हर इंटरवल के लिए अलग अलग वर्क मालूम कर सकें। तो हम इसको स्मॉल इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं और ये स्मॉल इंटरवल इतने स्मॉल है, ईच इंटरवल के केस में जो फोर्स है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो जब फोर्स क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, तो हर इंटरवल का हम अलग अलग क्या मालूम कर लेते हैं, वर्क। तो तमाम इंटरवल के वर्क का सम करते हैं तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। ये आप देखें ए से लेकर बी तक ही हमारे पास टोटल पाथ है पार्टिकल का। हमने इसको क्या किया, स्मॉल इंटरवल में डिवाइड किया, यहाँ फर्स्ट इंटरवल
और इस इंटरवल में जो फोर्स ऑफ F1 है और जो इसका एंगल है डिस्प्लेसमेंट के साथ वो थीटा 1 है। नेक्स्ट इंटरवल में देखें यहां से लेकर यहां तक ये नेक्स्ट इंटरवल है और इसमें जो फोर्स ऑफ F2 है और जो एंगल है वो थीटा 2 है। नेक्स्ट इंटरवल की बात करते हैं यहां से लेकर यहां तक, यहां पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो F3 और जो इसका एंगल होगा वो थीटा 3 और इसी तरह सो ऑन। और जब हम बात करते हैं यहां पे जो फोर्स होगी वो Fn और जो एंगल होगा वो थीटा n और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डेल्टा t है। इस तरह इक्वल इंटरवल में डिवाइड करने से क्या होगा, हर इंटरवल के लिए जो भी फोर्स होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो क्या करेंगे, हर इंटरवल का अलग अलग वर्ग मालूम करेंगे। किस फार्मूले की मदद से, वो फार्मूला जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, फोर्स के उस कंपोनेंट के साथ जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। इस तरह ईच इंटरवल के लिए हमारे पास वर्क आएगा, हम सम कर लेंगे तमाम इंटरवल का वर्क, सम कर लेंगे हमारे पास ए से लेकर बी तक का वर्क आ जाएगा। तो आप देखें एक्सप्लेनेशन में पिक शोज अ पार्ट ऑफ अ पार्टिकल इन द एक्स वाई प्लेन, ये हमारे पास एक फिग है और ये फिग क्या शो कर रही है, एक पार्टिकल के पाथ को इसके अंदर एक्स वाई प्लेन के अंदर एज इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करता है। द पाथ हैज बीन डिवाइडेड, पाथ को डिवाइड किया इनटू एन शॉर्ट इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमने एन शॉर्ट इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड किया। और वो कौन कौन से हैं शॉर्ट इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा d1, डेल्टा d2, सो ऑन डेल्टा dn, और ईच इंटरवल के लिए जो फोर्स है f1 f2 और सो ऑन fn आर द फोर्सेस, कि वो फोर्सेस है एक्टिंग ड्यूरिंग दीज इंटरवल, जो हर इंटरवल के दौरान में ये फोर्सेस एक्ट करें। नेक्स्ट हमने क्या सपोज किया, हमने ये सपोज किया कि ड्यूरिंग ईच स्मॉल इंटरवल, कि हर स्मॉल इंटरवल के दौरान में द फोर्स इज सपोज टू बी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। तो हमने ये फर्ज किया है कि हर इंटरवल के दौरान में जो फोर्स है वो तकरीबन सेम है, फोर्स सेम है। इसका मतलब क्या है, हम अप्लाई कर सकते हैं वो फार्मूला जो लास्ट टाइम पढ़ा था। सो द वर्क डन फॉर द फर्स्ट इंटरवल इज डेल्टा W1 इक्वल टू F1 डॉट डेल्टा D1 दैट इज इक्वल टू F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1, ये हमारे पास फर्स्ट इंटरवल का वर्क। इसी तरह सेकंड इंटरवल का वर्क डेल्टा W2 इक्वल टू F2 डॉट डेल्टा D2 इज इक्वल टू F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2, इसी तरह एंड सो ऑन फॉर द nth इंटरवल। nth इंटरवल के लिए हमारे पास वर्क आ जाएगा डेल्टा WN दैट इज इक्वल टू FN डॉट डेल्टा DN और ये हमारे पास इक्वल है FN cos theta n डेल्टा DN। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, टोटल पाथ को हमने स्मॉल इंटरवल में डिवाइड किया, इतने इंटरवल स्मॉल किए कि हर इंटरवल के लिए जो फोर्स है वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। उसके बाद का स्टेप हमारा क्या था, कि हमने हर इंटरवल का अलग अलग वर्क मालूम किया और उसके बाद का हमारा क्या स्टेप होगा, कि हम क्या करेंगे, टोटल जो हमारे पास तमाम इंटरवल के वर्क हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। तो ये देखें टोटल वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड एडिंग ऑल दीज टर्म्स, तमाम टर्म्स को ऐड करने से टोटल वर्क आ जाएगा। W total is equal to delta W1 plus delta W2 plus so on plus delta WN, values put कर दी, F1 cos theta 1 delta D1 plus F2 cos theta 2 delta D2 plus so on plus FN cos theta N delta DN। और डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि अगर हमारे पास
डिफरेंट टर्म्स ऐड हो रही हो तो हाँ आप उसको एक मैथमेटिकल नोटेशन सिग्मा से शो कर सकते हैं। तो इस मैथमेटिकल जो टर्म्स ऐड हो रही हैं इनको हम मैथमेटिकल नोटेशन सिग्मा से शो कर रहे हैं। तो W total is equal to sigma I equal to 1 to n, तो जो आपके पास इंटरवल है वहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है n तक। उसके बाद हमने लिखा एफ आई cos थीटा i डेल्टा डी है। तो ये हमारे पास फॉर्मूले की मदद से टोटल वर्क आ चुका। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये है कि हम वर्क मालूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। उसके लिए हमारे पास हमने यहाँ ग्राफ प्लॉट किया, एक्स एक्सिस के अलावा हमने डिस्प्लेसमेंट लिया और वाई एक्सिस के अलावा हमने फोर्स का वो कंपोनेंट लिया जो डिस्प्लेसमेंट के अलावा होता है और वो हमारे पास है कॉस थीटा। तो ये हमारे पास है एफ कॉस थीटा अलॉन्ग वाई एक्सिस और ये हमारे पास है डी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो आप देखिए इस ग्राफ की जो लाइन होगी वो स्ट्रेट नहीं होगी, क्योंकि अगर ग्राफ की लाइन स्ट्रेट है तो इसका मतलब ये है कि फोर्स कांस्टेंट है। तो यहाँ आप देखें ग्राफ की लाइन जो है वो इस तरह कर्व है, कर्व शो कर रही है कि यहाँ पर जो फोर्स है वो हमारे पास क्या है कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल फोर्स है। तो ग्राफिकल मेथड में क्या है, The work done can also be calculated by plotting a graph between f cos theta and d. तो work को हम graph की मदद से भी मालूम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? Graph plot करेंगे किसके दरमियान में? f cos theta और d के दरमियान में। The displacement d has been subdivided into n equal intervals. हमने क्या किया? Displacement को small interval में, equal interval में डिवाइड किया और उसके इंटरवल क्या है एन, और एन के लिए कुछ भी हो सकती है, 5 तक हो सकती है, 10 तक हो सकती है, 100 तक हो सकती है, कोई भी वैल्यू उसकी हो सकती है। द वैल्यू ऑफ एफ कॉस थीटा एट द स्टार्ट ऑफ ईच इंटरवल इज शोन बाय अ हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। एफ कॉस थीटा की वैल्यू हर एलिमेंट के लिए वो हमने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से शो के लिए देखें। ये आपके पास इस इंटरवल के लिए f cos theta की वैल्यू, जो कि हमारे पास क्या है फर्स्ट इंटरवल है उसके लिए क्या वैल्यू है f1 cos theta, और ये हमारे पास सेकंड इंटरवल है उसके लिए ये वैल्यू क्या होगी f2 cos theta 2, और इसी तरह ये इसके लिए क्या होगी f3 cos theta 3। और ये हमारे पास कोई ith इंटरवल है, आई के लिए कुछ भी हो सकती है, आई के इंटरवल है और उसके लिए हमारे पास एफ कॉस थीटा की जो वैल्यू वो क्या है एफ आई कॉस थीटा आई, और चलते जाए यहां पर हमारे पास एन इंटरवल के लिए एफ कॉस थीटा की वैल्यू क्या है एफ एन कॉस थीटा एन। द वैल्यू ऑफ एफ कॉस थीटा एट द स्टार्ट ऑफ ईच एलिमेंट इज शोन बाय अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। एफ कॉस थीटा की वैल्यू हर एलिमेंट के लिए उसको हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से शो किया। टू फाइंड एरिया अंडर कर्व, कि अगर आपने एरिया अंडर कर्व मालूम करना है, वी डिवाइड इट इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स, कि क्या करें इस टोटल इंटरवल को स्मॉल स्ट्रिप्स में क्या करें डिवाइड करें। आप देखें हमने यहाँ पे स्मॉल स्ट्रिप में डिवाइड किया, ये देखें यहां से लेकर यहां तक एक स्ट्रिप, यहां से लेकर यहां तक नेक्स्ट स्ट्रिप, और इसी तरह यहां से लेकर यहां तक ये नेक्स्ट स्ट्रिप, और ये इसी तरह हमने इसको क्या किया यहां से लेकर यहां तक स्मॉल स्ट्रिप में डिवाइड किया। हम इसको लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप में क्यों डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको दो स्ट्रिप में डिवाइड कर दें यहां से लेकर यहां तक एक स्टेप हो, यहां तक एक हो, और यहां से लेकर यहां तक एक और हो, दो स्टेप्स हो, तो फिर हमारे पास जो रेक्टेंगल बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ये देखें ऐसे। और इससे जो आपके पास वर्क है वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि यहां जो रेक्टेंगल बनेगी
उसका जो एरिया आएगा उसमें कुछ एरिया ऐसा भी आएगा जो इस ग्राफ की लाइन में मौजूद नहीं होगा, इससे जो वर्क आपके पास आएगा वो इनएक्यूरेट आएगा। लिहाजा जितनी नंबर ऑफ इंटरवल ज्यादा होंगे उतनी आपके पास एक्स्ट्रा वर्क जो है वो कम से कम आएगा, वो वर्क जो हुआ भी नहीं है लेकिन वो इसमें शामिल होगा। टू फाइंड एरिया अंडर कर्व वी डिवाइड इट इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ वर्टिकल स्टेप्स, ईच स्टेप इज अ थिन रेक्टेंगल। तो जब लार्ज नंबर ऑफ स्टेप में डिवाइड करते हैं तो हर स्टेप क्या है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के एरिया कैसे आता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी, एफ कॉस थीटा, और उसकी विड्थ क्या होगी, डेल्टा डी। अगर फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एफ वन कॉस थीटा वन ये लेंथ, और उसके लिए जो विड्थ होगी वो डेल्टा डी वन। इस तरह length of any these rectangles is f cos theta and width is delta d, so area of step is area of rectangle that is equal to f cos theta into delta d। ये हमारे पास किसी एक step का area आ चुका। इस तरह हम क्या करेंगे, तमाम जो हमारे पास steps हैं तमाम को हमारे पास rectangles हैं उनके area मालूम कर लेंगे और सम करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। वो टोटल एरिया एक्चुअली क्या होगा, वर्क डन होगा। टोटल वर्क इज इक्वल टू एफ वन कॉस थीटा वन डेल्टा डी वन। ये एक्चुअली आपके पास क्या, फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया है, और प्लस एफ टू कॉस थीटा टू डेल्टा डी टू, ये आपके पास सेकंड रेक्टेंगल का एरिया है, और सो ऑन प्लस एफ एन cos theta and delta d n, ये आपके पास nth इंटरवल जो हमारे पास है उसमें जो रेक्टेंगल है उसके एरिया। टोटल वर्क इसको हमने समेशन की फॉर्म में, सिग्मा की फॉर्म में लिखा, इंटरवल 1 से स्टार्ट होकर n तक जा रहा है, f5 cos theta and delta d n। तो आप देखिए ये वो वर्क है जो एक्चुअली हमने फार्मूले से मालूम किया था, लेकिन ये आपके पास एक्चुअली इस ग्राफ का एरिया है और इस ग्राफ का एरिया आपके पास एक्चुअली क्या है, वर्क डन है। हमारे पास रिजल्ट क्या है, टोटल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन एफ कॉस थीटा एंड डी। करके टोटल जो वर्क है वेरिएबल फोर्स की वजह से, एक्चुअली क्या है जो हमारे पास कर्व है एफ कॉस थीटा और डी के दरमियान में, उसका जो एरिया है वो एक्चुअली क्या, उसका टोटल वर्क है। इसके बाद अगर हमने हासिल करना है एग्जैक्ट रिजल्ट फॉर वर्क डन फ्रॉम ग्राफ, अगर ग्राफ से हमने एग्जैक्ट वर्क मालूम करना है तो वो कैसे करेंगे, ये बात अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस की थी कि जितनी लार्ज नंबर ऑफ इंटरवल्स होंगे उतनी आपके पास ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट वर्क आता चला जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है, एक्स्ट्रा एरिया जो आ रहा है वो कम से कम होता चला जाएगा। तो जितना एक्स्ट्रा एरिया कम से कम होता चला जाएगा उतना आपके पास वर्क एक्यूरेट होता चला जाएगा। उसकी कंडीशन क्या है, टू गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट वी डिवाइड द टोटल स्पेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी into very large number of equal intervals so that delta d approaches to zero, यहाँ arrow approaches को show कर रहे हैं कि जो width है rectangles की वो इतनी small होनी चाहिए कि वो zero के करीब हो, तब आपके पास exact result आएगा। then w total is equal to limit, हम limit apply करेंगे, और वो limit क्या है, delta d approaches to zero, इंटरवल इतने ज्यादा है कि हर इंटरवल की जो विड्थ है वो तकरीबन जीरो के करीब है। बाकी जैसे सिग्मा आई वन से लेकर एन तक, एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी है, तो ये आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट मालूम करने के लिए, वर्क का एग्जैक्ट रिजल्ट मालूम करने के लिए आपके पास एक कंडीशन है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है वर्क डन के,
फर्स्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमारे पास है वर्क डन बाय अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आप चैप्टर नंबर 11 में भी डिस्कस करेंगे। तो वर्क डन का रिलेशन होता है गैस के जैसे जो वर्क होता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे वो होता है W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। W वर्क है, पी प्रेशर है, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम है। सेकेंड हमारे पास रिलेशन है वर्क डन ऑन अ स्प्रिंग, स्प्रिंग के ऊपर जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला है W इज इक्वल टू हाफ के एक्स का स्क्वायर, ये आप चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ W वर्क को शो कर रहे हैं कि स्प्रिंग का स्टेंट है और एक्स के अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। उसके बाद जब हम बात करते हैं इलास्टिक बॉडी के अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसको ये वर्क का फॉर्मूला W इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। और स्ट्रेस आप जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन हमारे पास है चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ, और वॉल्यूम की बात करते हैं एरिया इनटू लेंथ। ये आपके पास वर्क डन किन के अंदर जो वो ऑब्जेक्ट जिनके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है तो उनके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे जो स्टोर होता है। वर्क डन टू स्टोर चार्ज इन अ कैपेसिटर और उसके लिए फार्मूला था डब्ल्यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, W वर्क को, C कैपेसिटेंस को, V पोटेंशियल को, कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है उसको शो कर रहे हैं। वर्क डन टू स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी इन एन इंडक्टर, इसके लिए W इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, एल इंडक्टेंस है इंडक्टर की और I करंट है। तो ये लास्ट थ्री जो रिलेशंस है ये सेकेंड ईयर में है, इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में हम डिस्कस करेंगे मजे। और जो आपके पास फर्स्ट टू रिलेशंस हैं ये आपके पास फर्स्ट ईयर में हैं, तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास लेक्चर था अबाउट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। डियर स्टूडेंट कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपने इसको अच्छे तरीके से बेटा तैयार करना है, इसको एक बार लिख के देखने हैं, साथ साथ अंडरस्टैंड करते चले जाएं, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज का काम कल पे मत छोड़ें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।